हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। और मेरा नाम है साइमा। आज मैं बना रही हूँ पिन व्हील सैंडविच। और यहाँ पर मैंने 1.5 कप आटा लिया है। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और इसे अच्छे से हिला लेंगे। ऐसे अगर मुट्ठी बनाए, आटे की मुट्ठी बन जाए तो तेल और अच्छे से मिक्स हो चुका है आटे में। अब हम गूंदना शुरू करेंगे। थोड़े थोड़े पानी से गूंदना। ये देखिए, मैंने आटा सख्त बनाया है, तो कोशिश करना आप लोग का भी सख्त आटा बने। तो इसको भी 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। चले बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 आलू ले लिए। आलू को बॉईल करके इसका मिक्सर बना ली। तो पैन में हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। आधा चम्मच वाइट जीरा डालेंगे। अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। यहाँ पर मैंने 1/2 कटा हुआ प्याज लिया, हरा प्याज लिया, और 2 से 3 मैंने हरी मिर्ची ली। इसे डाल देंगे, इसे दोनों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए, ये दोनों अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने मसाले रेडी करके रखे हुए हैं। 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची, 1 टीस्पून लाल मिर्ची, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/4 मैंने काली मिर्ची ली है और 1/4 हल्दी। और इन्हें सबको मसाले में मिक्स कर दूंगी। अब इसमें डाल देंगे आलू। आलू को सारे मसालों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि नमक हमारा आलू में मिक्स हो जाए। और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चिकन ली हुई है। चिकन को बॉईल करके शेड कर दिया है। अब इसे इसमें मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट तक पका लेंगे। ये देखिए, आलू और चिकन हमारा मसालों में मिक्स हो चुका है। अब इसे हम एक डिश में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। चले, यहाँ पर हम एक सलरी बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे। ये देखें, और इतनी पतली होनी चाहिए कि इसके चम्मच से टपके। देखिए, हमारी ये स्लरी तैयार हो गई है। अब हम इसे साइड पर रखते हैं और आटा लेते हैं। आटे को छोटा सा पीला ले लेते हैं, कवर करके वापस कर देते हैं। रोटी बेल लेते, हल्का सा हाथों पर ऑयल लगा लेना। चलिए, अब हम इसकी बड़ी सी रोटी बनाना शुरू करते हैं। कोशिश करना थोड़ी पतली रोटी बनाना। देखिए, इतनी पतली होनी चाहिए।
अब इस पे हम चम्मच से स्टफिंग लगा लेते हैं। ये देखिए मैंने चारों तरफ से लगा लिए और बेलन पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे हाथों से, फिर इसे इसके ऊपर हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। इसे यहाँ से उठाएंगे और हल्के हल्के हाथों से इसे दबा दबा के गोल करते जाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करेंगे और इस पर हम, और ये वाला पोर्शन है ना, इसमें हम अपना स्कोन लगाएंगे। इसके हल्के हल्के हाथों से इसके गोल कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा इसे दबा लेंगे अंदर की साइड। दूसरी तरफ से भी ऐसे दबा लेंगे अंदर की साइड। इसे देखेंगे अच्छे से चिपक चुका है। अब इसे नाइफ की मदद से हम काट लेंगे और कोशिश ये करना नाइफ तेज हो। अब इसे एक एक करके पतला पतला काट लेंगे। ये देखें एक उठाते हैं हम, इसे हल्के हल्के से हाथ से दबा लेते हैं और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसी तरह हम दूसरे सारे भी बना लेते हैं। ये देखिए रेडी हो चुका है और इसे आप लोग फ्रिज में भी सेव कर सकते हैं बनाकर। तो और हमारा तेल गर्म हो चुका है, ये देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसे हम एक एक करके, ये जो हमने स्लरी बनाई थी ना उसमें एक एक करके डालेंगे। इसे हिला कर एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। ये देखिए मैंने सारे एक एक करके डाल दिए हैं और अब तक अभी ये थोड़े से नीचे से लाल होंगे तो फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए हमारे पिनव्हील तैयार हो गए हैं। अगर आप लोग ये बना के घर पे खाएं तो आप समोसा और रोल भूल जाएंगे। और ज़रूर ट्राई करना बनाकर और आप लोगों को बहुत टेस्टी लगेंगे। और मेरी वीडियो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और इस वक्त के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ, फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो पर। खुदा हाफिज़।